वहीं इस बीच बड़ी और अहम जानकारी आपको छिंदवाड़ा से बता रहे हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। दीपक सक्सेना ने कमलनाथ को अपना इस्तीफा दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कमलनाथ के करीबी दीपक सक्सेना ने आज अपना इस्तीफा दिया है। ये बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। कांग्रेस के सभी पदों से उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। दीपक सक्सेना ने कमलनाथ को अपना इस्तीफा भेजा है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है छिंदवाड़ा से। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। हमारी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि कांग्रेस को ये बड़ा झटका लगा है। साथ ही अजय सक्सेना भी बीजेपी में शामिल होंगे। दीपक सक्सेना के बेटे हैं अजय सक्सेना और कई समर्थकों के साथ वो बीजेपी में शामिल होंगे। ये बड़ी खबर सामने आ रही है छिंदवाड़ा से जहाँ कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। ये बड़ी और अहम जानकारी आप छिंदवाड़ा से देख रहे हैं हमारी टीवी स्क्रीन पर, जहाँ कमलनाथ के करीबी दीपक सक्सेना ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, कांग्रेस के सभी पदों से उन्होंने आज ये अपना इस्तीफा दिया है। दीपक सक्सेना ने कमलनाथ को अपना इस्तीफा भेजा है। बता दें कि दीपक सक्सेना भी बीजेपी में अब शामिल हो सकते हैं। लगातार ये दल बदलने का सिलसिला देखने को मिल रहा है और अजय सक्सेना भी बीजेपी में शामिल होंगे। अपने कई समर्थकों के साथ वो बीजेपी में शामिल होंगे। बता दें कि अजय सक्सेना दीपक सक्सेना के बेटे हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, आप हमारी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये इस्तीफा है जो दीपक सक्सेना ने कमलनाथ को सौंपा है। बता दें कि कांग्रेस के सभी पदों से आज उन्होंने अपना ये इस्तीफा सौंप दिया है। ये बड़ी और अहम जानकारी जिससे अब छिंदवाड़ा में कांग्रेस को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। कमलनाथ के काफी करीबी रहे हैं दीपक सक्सेना और आज उन्होंने ये अपना इस्तीफा सौंप दिया है। ये बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये दल बदलने का सिलसिला लगातार जारी है और कयास लगाए जा रहे हैं कि दीपक सक्सेना बीजेपी में शामिल होंगे, साथ ही अजय सक्सेना भी बीजेपी में शामिल होंगे। कई समर्थकों के साथ वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, दीपक सक्सेना के बेटे हैं अजय सक्सेना और वो भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। छिंदवाड़ा से ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। हमारी टीवी स्क्रीन पर आप ये इस्तीफा देख सकते हैं जो दीपक सक्सेना ने कमलनाथ को सौंप दिया है। बता दें कि कांग्रेस के सभी पदों से आज उन्होंने अपना ये इस्तीफा दिया है।